नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कल करनाल को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं आज मुख्यमंत्री ने नगर निगम की योजना को हरी झंडी दिखाई। स्वच्छता और प्लास्टिक को लेकर मुख्यमंत्री ने करनाल में बैग पैक के साथ सुपर सकर मशीन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल बैग बैंक वैन शहर भर में घूमेगी, जहां लोगों को देगी प्लास्टिक व पॉलिथीन मुक्त का संदेश और लोगों को 20 रुपए में मिलेगा बैग पैक से, ताकि लोग प्लास्टिक और पॉलिथीन के प्रति जागरूक हो सके। यह हमारे लिए कितनी खतरनाक है। वहीं सुपर सकर मशीन से शहर के नाले होंगे साफ। बड़े बड़े नालों को मिनटों में ही यह मशीन साफ करेगी और मैन पावर लगेगी कम। वहीं मुख्यमंत्री ने साथ ही शहर के पार्षदों के साथ बैठक की, जहां उनसे उनकी समस्या, उनके वार्डों के विकास को लेकर बातचीत की और विधानसभा चुनाव की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पार्षदों की मेहनत से वार्ड 7 और 8 प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। अब निगम सर्टिफिकेट जारी करेगा और इसी तरह लोग काम करते रहे, ताकि हमारा शहर प्लास्टिक मुक्त हो सके। मनोहर लाल खट्टर ने अपने अंदाज में विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा कि विपक्ष ने नहीं निभाई अपनी भूमिका, आपस में ही विपक्ष लड़ता रहा। तो वह कहता है मैं विपक्ष हूं, तो दूसरा कहता है मैं विपक्ष हूं। हमारा एक सत्र ऐसे निकला जहां मान्यता प्राप्त विपक्ष होना चाहिए, वो था ही नहीं। बिना विपक्ष के चलता रहा सब। कांग्रेस के चुनाव आयोग से मुलाकात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सब नियमावली बनी हुई आचार संहिता की ओर, उस नियमावली के तहत उचित होगा वह काम किया जाएगा। आचार संहिता का कोई उल्लंघन सरकार नहीं करेगी, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, आज कॉरपोरेशन के नाते से दो बड़े काम, अच्छे काम किए गए हैं। एक तो सकर मशीन जो है यहाँ पर लाई गई है, ताकि कॉरपोरेशन में जो भी सफाई के काम है, सीवरेज की जो सफाई के काम में एक मशीन परमानेंट उपलब्ध कराई गई है नगर निगम को, और जो भी सीवरेज में अड़चने आती थी, कई बार रुकते थे, वो अड़चने अब मशीन के द्वारा साफ हो जाएंगे, बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसी प्रकार प्लास्टिक फ्री करने के नाते से और एक फ्री बैग देने के लिए, फ्री बैग नहीं है, कितने का है वो, 20 रुपये का एक बैग मिलेगा उसमें, हाँ, बैग बैंक इस नाते से एक गाड़ी चलाई गई है, मोबाइल वैन, ताकि जो प्लास्टिक फ्री का जो मूवमेंट है, इसको हम तेज़ कर सकें। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दो वार्ड के हमारे जो पार्षद हैं, उन्होंने अपने प्रयत्नों से मेहनत करके वहाँ के लोगों को साथ लेकर के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 इनको प्लास्टिक फ्री ये घोषित कर दिया है। अब उसका सर्टिफिकेशन नगर निगम की ओर से होना है, लेकिन अपनी ओर से उन्होंने ऑफर किया है कि हमारे ये दो वार्ड प्लास्टिक फ्री हो गए हैं, अब वहाँ कोई परिवार, कोई घर उसको प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेगा। और इस मुहिम को मैं चाहूँगा कि बाकी वार्डों में भी सब लोग इसमें सहयोग करें और इस कंपटीशन में आकर के और पूरे करनाल को प्लास्टिक फ्री बनाएं, ये मेरी लोगों से अपील है। सर, हुड्डा और शैलजा ने चुनाव आयोग से सिफारिश की है भर्तियों को लेकर बंद किया जाए, इस समय चुनाव का टाइम है, आचार संहिता का समय है। देखिए, वो सब नियमावली है बनी हुई आचार संहिता की अपने आप में, उस नियमावली के हिसाब से जो उचित होगा वही सरकार करेगी, जो उसमें उचित नहीं होगा, जिसके आचार संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सर, उम्मीदवारों का पैनल कब तक फाइनल कर लिया? क्या विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभा पाया इस 5 सालों में? अभी विपक्ष से पूछे तो ज़्यादा अच्छा। सर, उम्मीदवारों क्या मानते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका में कुछ था ही नहीं, बचा ही नहीं, विपक्ष आपस में झगड़े करते रहा, उन्होंने कहा कि हम विपक्ष हैं, उन्होंने कहा हम विपक्ष हैं, और आखिर में तो कोई एक सत्र तुम्हारा ऐसा ही निकल गया जिसमें कोई विपक्षी इस नाते से जो एक मान्यता प्राप्त विपक्ष होना चाहिए वो था ही नहीं, कोई बिना विपक्ष ही चलता रहा। भाजपा चरम सीमा बिना विपक्ष के होगा क्या मानते हैं ये चुनाव बिना विपक्ष के? अरे, लोकतंत्र में भैया सबको छूट होती है, सब चुनाव में आते हैं, आखिर सब चुनाव में आते हैं, चुनाव के परिणाम के बाद पता लगेगा कि विपक्ष कितना बचता है कितना नहीं बचता। सर, आपके नेतृत्व में चरम सीमा पे आज भाजपा खड़ी है, तो कैसे उम्मीदवारों का कैसे चयन किया जाए, किस तरीके से, और कब तक फाइनल हो जाएगा? देखिए, फाइनल करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, हम तो कुल मिलाकर के प्रदेश की ओर से एक पैनल बना के भेजेंगे, लेकिन चुनाव जब चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद की प्रक्रिया है। चुनाव जब घोषित होंगे फिर हमारा ये रूटीन का जो काम है इसको हम फेज्ड मैनर में करेंगे, और निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने जब जाएगा तो वो घोषणा करेंगे। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।